प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका प्रतिभा आज आपको उपसर्ग के विषय में पढ़ाऊंगी। उपसर्ग क्या है इसके बारे में जानना आवश्यक है। उपसर्ग को जानने के लिए हमें इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानना होगा। उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है, उप जमा सर्ग। उप का अर्थ है पास, सर्ग का अर्थ है रचना या निर्माण करना। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है उप अर्थात पास और सर्ग का अर्थ है सृष्टि यानी रचना। कहने का अर्थ यह है शब्द के पास पहुंचकर उसमें नए अर्थ की रचना करना या सृष्टि करना। हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्द के शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव या विशेषता ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है उपसर्ग। उपसर्ग हमारे शब्दांश होते हैं। उपसर्ग हमारे शब्दांश होते हैं। जब उसमें मूल शब्द जुड़ जाते हैं तो उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है या विशेषता उत्पन्न हो जाती है। मूल शब्द में शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है, अर्थात सार्थक शब्दों को ही मूल शब्द कहा जाता है। यहाँ पर उपसर्ग है निर, स, दुर, प्र, प्र, स्व। इसके साथ मैंने मूल शब्द जोड़कर यहाँ बताया है निर। निर जमा गुण। निर का अर्थ है बिना और गुण, गुण का अर्थ आपको पता ही है। तो इसमें गुण मूल शब्द जुड़ गया निर के साथ तो क्या बना आपका निर्गुण, इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। स, स का अर्थ होता है अच्छा। इसके साथ गुण शब्द जुड़ा तो इसमें अर्थ में परिवर्तन हो गया तो क्या बन गया सगुण। दुर, दुर का अर्थ होता है बुरा और गुण शब्द यहाँ पर दिया हुआ है जो मूल शब्द है उसके साथ जब दुर उपसर्ग जुड़ा तो क्या बन गया दुर्गुण यानी बुरे गुण वाला। प्र का अर्थ है अधिक या आगे। इसके साथ योग शब्द जुड़ा, योग का अर्थ होता है जोड़। जब इसके साथ योग शब्द जुड़ गया, योग मूल शब्द है जुड़ गया तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया, यह शब्द बन गया प्रयोग। अब यहाँ पर फिर से प्र उपसर्ग दिया हुआ है उसके साथ मैंने हार मूल शब्द जोड़ा, हार का अर्थ होता है पराजय। जब प्र के साथ हार शब्द जुड़ गया तो क्या बन गया इसका प्रहार। प्रहार का अर्थ होता है हमला करना, इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। स्व का अर्थ है अपना और राज का अर्थ होता है शासन। स्व उपसर्ग राज के साथ जुड़ा तो इसका अर्थ बदल गया स्वराज यानी अपना शासन। प्यारे बच्चों, जब हम यहाँ पर को शब्दांश को मूल शब्द के साथ जोड़ते हैं तो वह क्या बन जाता है उपसर्ग बन जाता है। उपसर्ग शब्द के आरंभ में यानी शुरू में जोड़े जाते हैं, उससे नया शब्द बन जाता है, इसे यौगिक शब्द भी कहते हैं। उपसर्ग में हमेशा छोटा उ छोटी ई की मात्रा ही होती है। इसमें सार्थक शब्दों को ही जोड़ा जाता है। अब यहाँ तक आपको आशा है समझ में आ गया होगा। आगे मैं बताना चाहूँगी उपसर्ग की परिभाषा। जो शब्दांश शब्दों के शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव या विशेषता ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में पांच प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। पहले हैं संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू व अरबी फारसी के उपसर्ग, चौथे नंबर पर आपका आता है उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय और पांचवे नंबर पर अंग्रेजी के उपसर्ग। यहाँ मैंने उपसर्ग लिखे हुए हैं अनु, कु, बे, बद, प्रति, सह और इसके सामने मूल शब्द यानी जिनका अर्थ होता है सार्थक शब्द क्रम, चक्र, नाम, चलन, दिन, योग लिखे हुए हैं। जब हम इन उपसर्गों को इन मूल शब्द में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे एक नया शब्द हमारे सामने आ जाएगा। इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे अनु जमा क्रम, अनुक्रम। यहाँ मैंने रेखांकित भी करके दिखाया हुआ है आपको उपसर्ग क्या है और सार्थक शब्द क्या है अर्थात मूल शब्द क्या है। कु जमा चक्र, कुचक्र। बे जमा नाम, बे नाम।
बद जमा चलन, बद चलन, प्रति जमा दिन, प्रतिदिन, सह जमा योग, सहयोग, अधि जमापति, अधिपति, अध जमा पका, अधपका, सुजमा पुत्र, सुपुत्र, अजमा न्याय, अन्याय। आपने इन शब्दों को देखा, जब हम उपसर्ग का उपयोग मूल शब्द में कर रहे थे, कुछ के अर्थ में परिवर्तन आ गया है और कुछ में विशेषता आ गई है। परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको उपसर्ग व मूल शब्द अलग करना बताऊंगी। यहाँ पर मैंने शब्द लिखे हुए हैं, इनमें से उपसर्ग और मूल शब्द कैसे अलग करेंगे। यहाँ पर उपहार शब्द है, इसमें उप उपसर्ग है और हार मूल शब्द है। चौ राहा, चौ आपका उपसर्ग है और राहा मूल शब्द है। देखो बच्चों, जो मूल शब्द है वह सार्थक शब्द है, उसका अर्थ होता है, जो अर्थ का अर्थ होता है वे ही सार्थक शब्द कहलाते हैं। चिर काल, चिर उपसर्ग है और काल मूल शब्द है। स्वयं सेवक, स्वयं उपसर्ग है और सेवक मूल शब्द है। हम शक्ल, हम उपसर्ग है और शक्ल मूल शब्द है। ना, ना उपसर्ग है और दान मूल शब्द है। जब हम इन्हें इनको अलग किया तो हमें मूल शब्द अलग मिल गए और उपसर्ग अलग। प्यारे बच्चों, आशा है यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित मैं अधिन्यास कार्य आपको दे रही हूँ, इसको हल करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।